मेरा नाम प्रेम प्रभाकर है, आप देख रहे हैं अवतार घंटा। आज रविवार है और रविवार को हम लोग जानते हैं कि दो मुकाबले खेले जाते हैं। पहला मुकाबला मुंबई और कोलकाता के बीच मुंबई में खेला जाएगा, वहीं दूसरा मुकाबला गुजरात और राजस्थान के बीच गुजरात में खेला जाएगा। यह दोनों मुकाबले दिलचस्प होने वाले हैं। चलिए हम पहले मुकाबले की बात करते हैं जो मुंबई और कोलकाता के बीच मुंबई में खेला जाएगा। अगर देखा जाए तो मुंबई जो है पिछले दो लगातार मैचें जीती है, तो वहीं कोलकाता की बात की जाए तो पिछला मुकाबला जो कोलकाता जो है जहां अपना पिछला मुकाबला हार कर खेल इस मैदान में आमने सामने होगी। मुंबई जो है कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में वो वापसी करते हुए दिख रही है। कोलकाता ने भी अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 228 रन का विशाल स्कोर जो हैदराबाद ने दिया था उसका पीछा करते हुए उन्होंने 205 रन बनाया था। 23 रनों से पिछला मुकाबला कोलकाता हारी थी, लेकिन अगर देखा जाए तो कोलकाता की बल्लेबाजी की तो कोलकाता के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करने दिखाया इस सीजन में। श्रेयस अय्यर की अनुपस्थिति में भी कोलकाता ने बेहतरीन बल्लेबाजी जी दिखाई है इस बार, और खासकर रिंकू सिंह ने भी तो जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में हमने देखा कि नीतीश राणा ने भी अच्छे रन बनाए, 75 रन की एक बेहतरीन इनिंग खेली थी। वहीं अगर मुंबई की बात की जाए तो रोहित शर्मा जो है पिछले मैच में हैट सेंचुरी मारी थी, 62 रनों की पारी खेली थी, फॉर्म में वापसी करते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर सूर्य कुमार यादव की बात की जाए जो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मुंबई की टीम के लिए चिंता का विषय है। गेंदबाजी की बात की जाए तो खासा प्रदर्शन गेंदबाजों ने और साथ मुंबई की तरफ से नहीं किया है। पीयूष चावला अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन तेज गेंदबाजों की बात की जाए तो तेज गेंदबाज जफरा अच्छा से बहुत उम्मीद थी, लेकिन पिछले मुकाबले में जफरा अच्छा नहीं थे, इस मुकाबले में भी उनको लेकर संशय बना हुआ है। ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों टीमें अब तक 31 बार आमने सामने हुई, जिसमें 22 बार मुंबई ने जीत दर्ज की, वहीं कोलकाता को 9 बार जीत हासिल हुई। ऐसे में हेड टू हेड की बात की जाए तो मुंबई का पल्ला भारी दिख रहा है, वहीं कोलकाता थोड़ा सा उनका मनोबल डाउन है। लेकिन इस मौजूदा सीजन की बात की जाए तो कोलकाता का पल्ला भारी दिख रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है वो बेहतरीन क्रिकेट खेली है, हर क्षेत्र में उन्होंने ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। उनके पास सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती जैसे खतरनाक स्पिन अटैक भी है, और बल्लेबाजों की बात की जाए कोलकाता में गुरुवार जिन्होंने पिछले मुकाबले में उन्होंने रन नहीं बनाए लेकिन वो भी अच्छे फॉर्म में चले हैं। शकीबुल हसन, लिंटन दास भी अब जो है कोलकाता से जुड़ चुके हैं। ऐसे में कोलकाता का पल्ला और भारी होता हुआ दिख रहा है। बड़ी बॉम्बे खेमा को अगर यह मुकाबला जीतना है तो उनको अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, ना रोहित शर्मा को ही रन बनाने होंगे। तिलक वर्मा जो मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी करें अच्छे फॉर्म में चले हैं, उनको भी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। सूर्य कुमार यादव को फॉर्म में आना होगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के बैट से रन निकल नहीं आ रहे, जो कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। हम आपको प्लेइंग 11 बताते हैं, मुंबई की प्लेइंग 11 आज के मैच में क्या हो सकती है। रोहित शर्मा कप्तान के तौर होंगे, उनके साथ ईशांत किशन होंगे, कैमरन ग्रीन होंगे, सूर्य कुमार यादव होंगे, तिलक वर्मा होंगे, नेहाल होंगे, ऋतिक शौकीन होंगे जो आज से वापसी करते हुए दिख सकते हैं, अरशद खान होंगे, पीयूष चावला और टिम डेविड होंगे। ये संभावित प्लेइंग 11 जो आज के मुकाबले में मुंबई की तरफ से खेलते हुए दिख सकती है। वही कोलकाता की बात की जाए, कोलकाता तरफ से गुलवाज होंगे, एम जगदीशन होंगे, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, एंड्रो रसल, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, महेश यादव, वेंकटेश अय्यर, लॉकी फर्गुसन और वरुण चक्रवर्ती होंगे। कोलकाता की टीम भी में भी कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ये संभावित प्लेइंग 11 है जो कल के पीछे पहले मैच का जो शाम को 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा उसका हमने बताया। दोनों टीमें जो है इस मुकाबले में बने रहने के लिए जीत की उम्मीद से उतरेगी। जो भी टीम कोलकाता जीतेगी वो इस दोनों टीमें जो है इस मुकाबले में जीत की उम्मीद से उतरेगी। देखना है रोहित शर्मा की सेना
नीतीश राणा की सेना को क्या परास्त कर पाती है या नहीं इस मुकाबले में दिखेगा। भाई अब दूसरे मुकाबले की बात करते हैं जो शाम को गुजरात और राजस्थान के बीच गुजरात में खेला जाएगा। पिछले साल की अगर बात की जाए तो फाइनल में गुजरात और राजस्थान दोनों टीम ने आमने सामने की थी। पिछले साल दोनों टीम ने बेहतरीन क्रिकेट दिखाया था। वही सेम जो की बात की जाए तो दोनों टीमें जो अब तक बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। राजस्थान जहां हार्दिक पांड्या की कप्तानी में एक से बढ़कर एक जीत दर्ज करती हुई दिख रही। वही अगर राजस्थान गुजरात की बात की जाए तो भाई हार्दिक पांडे की कप्तानी में एक से एक जीत दर्ज करते हुए इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ते हुए दिख रही है। वहीं अगर बात की जाए तो राजस्थान भी लगातार जो है जीत दर्ज करते हुए, खासकर जॉस बटलर की बात की जाए, एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पूरे मैच का जो है रुख जो है बदल देते हैं। भाई अगर बात की जाए गुजरात और राजस्थान के मुकाबलों की जो सामने गुजरात में खेला जाएगा, जहां हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात जो है लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रही है, वहीं राजस्थान भी अब तक बहुत अच्छा खेल वहीं राजस्थान ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। दोनों टीमें जो है पिछले सीजन में फाइनल में पहुंची थी, जिसमें गुजरात ने राजस्थान को हरा कर जीत दर्ज फाइनल का खिताब जीता था। लेकिन दोनों टीमें अगर देखा जाए तो वही पिछले साल जिस तरीके से दोनों टीमों ने प्रदर्शन किया था, वैसे ही सेम प्रदर्शन करते हुए दोनों टीमें दोहरा रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ गुजरात की जो बैटिंग ऑर्डर है बहुत मजबूत है, खासकर रिद्धिमान साहा सुमन की। हमने देखा है कि रिद्धिमान साहा आते के साथ जो है आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और 30-35 रनों की छोटी सी लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल इनिंग खेल के वो चले जाते हैं, जिस वजह से शुभमन गिल सेट हो जाते हैं और फिर उसके बाद शुभमन गिल अपनी आत्मक और ताबड़ी फिर उसको शुभमन गिल जो है बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं और उसको बड़े रन में तब्दील करते हुए दिख रहे। दोनों की जो ओपनिंग जोड़ी है बहुत परफेक्ट है। फिर तीसरे नंबर पर सारू सुदर्शन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर राजस्थान को जीतना होगा यह मुकाबला तो खासकर शुरुआती 6 ओवर के अंदर जो है रिद्धिमान साहा या सुमन गिल में से किसी एक का विकेट लेना होगा। वहीं अगर राजस्थान को गुजरात इस मुकाबले को जीतना है तो जॉस बटलर का विकेट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी जल्दी वो जॉस बटलर को आउट कर देंगे उतनी जल्दी जो है मैच में पकड़ बना सकती है गुजरात। चलिए अब तक ये दोनों टीमें जो है 3 बार आमने सामने हुई है, तीनों बार जो है गुजरात ने बाजी मारी है। मगर देखा जाए तो गुजरात का पल्ला भारी दिख रहा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये मुकाबला होगा, जो कहीं ना कहीं जो हमने देखा था जब पिछली बार जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात और कोलकाता जब आमने सामने हुई थी तो हमने देखा था कि कोलकाता ने 204 रन का जो स्कोर जो 20 ओवर में गुजरात ने खड़ा किया था उसको चेस कर लिया था। तो इससे साफ हो जाता है कि गुजरात नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो मुकाबले होगा उसका पिच जो का मिजाज जो है पूरा बल्लेबाजों के अनुकूल होगा। हमें लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने लिए, क्योंकि यह मुकाबला शाम को होगा। चलिए हम आपको फटाफट प्लेइंग 11 बता देते हैं, जो दोनों टीमों की क्या संभावित प्लेइंग 11 बता सकती है। रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, इनको पहले मैं गुजरात की बता देता हूँ गुजरात में प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अलजारी जोसफ, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा और लेकिन बेहतरीन ये संभावित प्लेइंग 11 जो पिछले भी मुकाबले में दिखा था वही इस मुकाबले में भी दिख सकता है। वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो संजू सैमसन होंगे, जॉस बटलर होंगे, देवदत्त पाटिकल होंगे, सिमरन हेटमायर होंगे, ध्रुव जुरेल होंगे, यशस्वी जायसवाल होंगे, रविंद्र चंद अश्विन होंगे, जोसन होल्डर होंगे, कुलदीप सेन, संदीप शर्मा, युजेंद्र चहल और एडम जंपा होंगे। देखिए अगर देखा जाए तो दोनों टीमें जो है अपना पिछला मुकाबला जीत के आई है। जहाँ पर हमने देखा था पिछले मुकाबले में राजस्थान ने चेन्नई को हराया था, लास्ट ओवर तक यह मुकाबला गया था और सामने महेंद्र सिंह धोनी थे, उसके सामने संदीप शर्मा ने बेहतरीन एक गेंद पे 5 या
रन चाहिए थे और संदीप शर्मा की गेंद थी और उसने कितनी सटीक या कमाल था जो धोनी भी उस गेंद पर चौका न छक्का मार सके। तो समझ सकते हैं कि पिछला मुकाबला जिस तरीके से राजस्थान जीत के आई है उसका भी मनोबल हाई होगा। और वहीं गुजरात की बात की जब वो लगातार जो है कोलकाता के खिलाफ जरूर वो मैच हारी थी, पंजाब के खिलाफ उन्होंने वापसी की है। तो ऐसे में देखा जाए तो यह मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।